بسم الله الرحمن الرحيم. Today our topic is operational amplifier. Shortly it is named as OPAM, operational amplifier. Okay, so this is the content introduction, which is OPAM circuit symbol, operational amplifier picture, pin diagram, and important terms and equation, ideal of aim, and property of ideal of aim, non-ideal of aim, and characteristics, applications, advantages and disadvantages. Okay, so the term operational amplifier denotes a special type of amplifier that by proper selection of its external components could be configured for a variety of operations. Operational amplifiers, amplifiers का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है. बहुत से बहुत किस्म के amplifiers मौजूद हैं. सब का काम amplification करना है, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है. amplifier यानी उसको बढ़ाना, ठीक है. यानी अगर कोई सिग्नल हम इतनी दे देते हैं, ठीक है, और वो जो है यानी जिस तरह आप ये साउंड सिस्टम में जो एम्पलीफायर्स लगे हुए होते हैं, वो भी यही वो है, ठीक है, उसको वो एम्पलीफाई कर देता है. सो डिफरेंट किस्म के एम्पलीफायर्स मौजूद हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे. यानी उसके मुख्तलिफ क्लासेस भी हैं, क्लास ए एम्पलीफायर्स, क्लास बी एम्पलीफायर्स, पुश पुल एम्पलीफायर्स, क्लास सी डी, इस तरह, ठीक. वोल्टेज एम्पलीफायर्स, फिर करंट एम्पलीफायर्स, फिर वोल्टेज में भी इसको सीरीज एम्पलीफायर्स, शंट एम्पलीफायर्स, इस तरह. तो डिफरेंट किस्म के एम्पलीफायर्स हैं. एम्पलीफायर्स के अपनी एक फैमिली है, एक ठीक है, सो एक ग्रुप है. सो उनमें से एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी है. सही. ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के पिन्स होती हैं और आठ पिन्स होती हैं, और वो पिन्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सो उन पिन्स की डिफरेंट कनेक्शन करके इसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. जिस तरह आप लोगों ने इन्हें कॉमन एमिटर, कॉमन ये ट्रांजिस्टर के लिए पढ़े थे ना, कॉमन एमिटर, कॉमन करेक्टर, कॉमन बेस, ये कॉन्फ़िगरेशन से. तो ये कनेक्शन है तो वही एक जैसा ट्रांजिस्टर एनपीएन होगा या पीएनपी होगा, मगर आप उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन करके आप डिफरेंट एप्लीकेशंस हासिल कर सकते हैं. यानी आप कॉमन एमिटर है तो इसमें ये प्रॉपर्टी है, अगर आप यानी कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमिटर कर दें, सही है. इससे ये है कि इनपुट जो भी आप देंगे वो आउटपुट उसका 180 डिग्री फेस शिफ्ट होगा, जबकि ये प्रॉपर्टी अब उसमें नहीं है, कॉमन बेस में या कॉमन कलेक्टर में नहीं है. तो देखिए, सिर्फ पिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से जो है यानी वो हो गया, पिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से सिर्फ जो है यानी आप लोगों को डिफरेंट फ़ायदे हासिल हो रहे हैं. अच्छा, अब ये एक स्टूडेंट है, यानी इसको मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मगर वो अभी तक वो ज्वाइनिंग में ही है, यानी उसका नेट बहुत ही स्लो है. सही. ओके, सो फर्स्टली ये 1947 में बना था, ठीक है, और उस वक्त यानी लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी, ठीक है. ट्यूब्स होते थे, जिस तरह मैंने आपको टीवी की मिसाल दी थी, टेलीविज़न की. टेलीविज़न पहले इतना भारी होता था और जगह भी ज़्यादा घेरता था. अब जो है यानी इतने स्लिम स्लिम आ गए हैं LEDs. तो ये क्या है कि वो अब ये चिप टेक्नोलॉजी है, और इससे पहले जो वो थे वो यानी इवन पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, बिजली ज़्यादा जो है वो खर्च करता था. वो असल में थे वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी. सो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी के बाद जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी वही है, सेमी कंडक्टर की. सही. तो 1947 में जब ये बना था तो ये तब वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी के बेस पर बना था. फिर 1960 में ये सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी पे ये बन गया. सही. ओके, सो अच्छा,
In 1968, Fairchild introduces the op amp that was to become the industry standard. ठीक है, पहले इन्होंने आईसी फैब्रिकेशन की थी, फिर उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का बना दिया था ओप एम्प। सही, ओप एम्प लो कॉस्ट इंटीग्रेटिंग सर्किट, इंटीग्रेटिंग सर्किट आईसी को, आईसी जो है वो इंटीग्रेटिंग सर्किट वो है। ठीक है, एब्रीविएशन तो लो कॉस्ट इंटीग्रेटिंग सर्किट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। ठीक है, इस ओप एम्प के अंदर जो है, यानी आप लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर से बना हुआ होता है, रेजिस्टर्स भी उसमें होती हैं और कैपेसिटर्स भी होती हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए आप लोग मुख्तलिफ एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस बाद में आएंगी। ये बहुत कमाल का एम्पलीफायर होता है, इसमें ये बिल्कुल, यानी आप उसको कैलकुलेटर के तौर पे भी कह सकते हैं कि इस्तेमाल होता है कैलकुलेटर में, इवन जो चीज़ कैलकुलेटर भी नहीं कर पाती। ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो ओपेम जो है वो एडिशन भी करता है, सब्ट्रैक्शन भी करता है, इसी तरह डिफरेंशिएशन भी करता है, इंटीग्रेशन भी करता है। ठीक है, सो कंपैरिजन भी करता है, कंपैरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ठीक, और एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, तो मुख्तलिफ इसके एप्लीकेशन हैं ओपेम के। सही, अच्छा, तो इट इज़ एबल टू एम्पलीफाई अ सिग्नल ड्यू टू द एक्सटर्नल पावर सप्लाई, जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम देते हैं, ठीक है, उसकी मदद से ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो जिस सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है वो सिग्नल अलग होता है, और जो पावर सप्लाई दी जाती है वो तो सिर्फ इसको चलाने के लिए, ठीक है, तो वो सिर्फ बैकअप देने के लिए, उसको चलाने के लिए, पावर देने के लिए VCC हम अप्लाई करते हैं। सो ये सैफुल्ला, ये आप क्या कर रहे हैं? नेम डिराइव्स फ्रॉम इट्स यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिग्नल। जिस तरह ये, इसका नाम इसलिए रखा है कि ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो इसलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नाम दिया गया है। कौन कौन सी ऑपरेशंस, ये मैं अभी गिनवा चुका हूँ, समर, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ। ठीक, ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस, कंपैरेटर्स, ये सारा कुछ। एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए DC कपल्ड हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर। डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी आपस में कनेक्ट होके एक हाई गेन एम्पलीफायर आप लोगों को दे सकते हैं। सही, आउटपुट स्टेज इज जनरली अ पुश पुल और पुश पुल कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पेयर। सही, पुश पुल एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर जो हैं वो पुश पुल एम्पलीफायर कहलाती हैं। यानी एक, इसमें दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं डार्लिंगटन पेयर, और एक जो है पुश का काम करता है, दूसरा पुल का काम। पुश पुल का मतलब है एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है, फिर जो पहले ऑन हुआ था वो अब ऑफ हो जाएगा, और जो पहले ऑफ था वो अब ऑन हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है, यानी ये काम करता है, इसलिए इसका नाम पुश पुल एम्पलीफायर रखा गया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आउटपुट जो है जर्नी इसकी कनेक्शन पुश पुल एम्पलीफायर की तरह होती है। ओपेम आर डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स एंड देयर आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट इनपुट वोल्टेजेस। यानी जो ये है, एक इनपुट सिग्नल यहाँ से हम देते हैं और एक इनपुट यहाँ से देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, और फिर इन दोनों के डिफरेंस को एम्पलीफाई करके, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट में लिया जाता है। सही, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाता है। द टू इनपुट टर्मिनल्स कॉल्ड द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग आर लेबल्ड एज विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। जो नेगेटिव होता है, ठीक है, इसको इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं इन्वर्टिंग। ठीक है, और जो वो है पॉजिटिव है, ठीक है, इसको नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। इसको इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इसलिए कहते हैं कि जब हम सिग्नल को अगर इन्वर्ट करना चाहें, इन्वर्ट का मतलब ये है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट उसमें आप करें। अब ये है और आप चाहते हैं कि ये इस तरह का आउटपुट मुझे दे दे, ठीक है,
फिर आप लोगों ने इसको सिग्नल देना होगा और इसको ग्राउंड करना होगा, ठीक है, एट अ टाइम एक को। या तो वो इन्वर्टिंग होगा या नॉन इन्वर्टिंग होगा ना, इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो एक वक्त में इन्वर्टिंग भी हो नॉन इन्वर्टिंग, इस तरह नहीं हो सकता। तो एक आपने इसको इनको सप्लाई दे देनी है इन्वर्टिंग एंड पे, यानी ये सप्लाई दे दी आप लोगों ने, ठीक है, इसको ग्राउंड कर दें और ये आपको इस तरह का वो नॉन इन्वर्टिंग और एम्पलीफाइड फॉर्म में दे देगा, यानी इस तरह विद गेन दे देगा, ठीक है। गेन आप लोग जानते हैं कि यानी इसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए वो गेन कहलाती है, ठीक है। यानी कितने टाइम्स, अगर मैं कहूँ 10 10 इसका गेन है, लेकिन ए अमूमन ए बी सी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गेन भी दो किस्म के होते हैं, एक ओपन लूप गेन होता है और एक क्लोज लूप गेन होता है। अगर आप लोगों ने यहाँ से फीडबैक सिस्टम नहीं लिया, ठीक है, तो फिर ये अगर नहीं लिया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो इसको ओपन लूप गेन कहते हैं। और अगर आपने यहाँ से आउटपुट से पोर्शन लिया और वापस इनपुट को दे दिया फीडबैक, इसको फीडबैक कहते हैं, तो फिर ये क्लोज लूप गेन कहलाएगा, सही। एनी हाउ तो मैं ये कह रहा था कि अगर इन्वर्टिंग आपने को हासिल करनी है तो आपने इसको दे दें और आपको आउटपुट इस तरह का दे देगा। और अगर आपने नॉन इन्वर्टिंग आप चाहते कि नहीं बस सिर्फ एम्पलीफाई हो जाए मगर इन्वर्ट ना हो, तो फिर आपने या इसको इनपुट दे देनी है और इसको ग्राउंड कर दें, ठीक है। इसके कनेक्शन का अपना तरीका है, वो आगे आ रहा है, सही। सो ये जो है यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के वो हो गए, सही, दो टर्मिनल्स हो गए। अच्छा, ये कुछ पिन्स हैं इसकी, प्लस ये वी सी सी होना चाहिए, ठीक है, और ये माइनस वी सी सी, और ये माइनस इनपुट और प्लस। ये खैर आगे इसका चिप आ रहा है अपना, तो उसमें बाकायदा वो ये मेंशन है कि कौन कौन से पिन किस चीज़ का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दो इनपुट टर्मिनल्स हो गए, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, ये आउटपुट हो गया, और ये पावर सप्लाई के लिए, इसको चलाने के लिए, इसको ठीक है बैकअप देने के लिए वो सप्लाई दी जाती है। ओके, ये देखें इससे लिया, और ये पॉजिटिव प्लस वी सी सी था ना, देखिए ये प्लस वी सी सी था और ये माइनस वी सी सी, तो इसी तरह ये प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट प्लस वी सी सी, और ये जो है यानी ये वाला नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट। ये वी एन मतलब वी इन्वर्टिंग आप कह सकते हैं या वी नेगेटिव कह सकते हैं, और वी पी वी पॉजिटिव या वी नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। तो ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह, और वी नॉट आउटपुट टर्मिनल है, सही। ये जो है यानी वैक्यूम ट्यूब के टेक्नोलॉजी में ये इसका शेप इस तरह हुआ करता था, सही, पुराने ये ज़माने में, सही। और अब जो है यानी ये अब इस तरह आईसी के फॉर्म में है, इसके पिन्स होती हैं और फिर इस तरह के फॉर्म में, ठीक। ओके, ये इसका जो है वो है, ठीक है, ये जो है यानी ऑफसेट नल, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पावर, ठीक है। अब ये नेगेटिव आप अगर आप देखें तो ये वाला, ठीक है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट है, और ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अगर आपने कनेक्शन देनी है तो आप इसको अंदर ये आपस में कनेक्ट हैं, बस आप सिर्फ इसको सप्लाई दे दें, ये खुद ब खुद यानी यहाँ पे अपने पिन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, सही। ओके, और ये आउटपुट है, देखिए आप लोग आउटपुट से ये ऑलरेडी अंदर कनेक्ट है, बस आप यहाँ से आप आउटपुट ले लें, सही। नो नो कनेक्शन, सही, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, सही। अच्छा, ये आईसी नंबर है LM741, सही, 741 आईसी नंबर है। अच्छा, तो गेन, गेन मैंने आप लोग को बताया था गेन किस तरह होता है, इन दोनों की डिफरेंस से वी एन और वी पी, ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस, इसको वी डी हम कहते हैं, इस वी डी के साथ इसका गेन मल्टीप्लाई हो जाता है ए, यानी फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाई वी डी, ये हमारा आउटपुट हो जाता है, सही। सो वी आउटपुट इज इक्वल टू, ठीक है, वी डी यानी इन दोनों का डिफरेंस, और
इसका गेन फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाय वी डी दिस इज इक्वल टू व्हाट वी नॉट, इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो। इससे पहले मैंने एग्जांपल दी फॉर एग्जांपल 10 की, तो 10 मल्टीप्लाई बाय जो भी इन दोनों का डिफरेंस बनता है वी डी वी डिफरेंस, तो वो जो है यानी आ जाता है ओके ये एक एक के बारे में कहा गया है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट एम्पेडेंस, ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इस हालत में अगर है तो ये ओपन लूप है, अगर आप यहाँ से कनेक्शन लेते हैं और इसके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फिर वो क्लोज लूप बन जाता है, ठीक है। ये सारे इसमें करंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो रियल एक होता है आइडियल ओपेम और एक है रियल प्रैक्टिकल ओपेम, ठीक है। तो आइडियल तो आपको पता है वो कभी भी यानी अचीव नहीं होता, मगर आइडियल को इसलिए फिर हम स्टडी करते हैं ताकि जो एम्पलीफायर आइडियल के करीब होता है वो उतना अच्छा होता है। यानी अगर कोई भी पैरामीटर आइडियल है, यानी आइडियल उसकी वैल्यू है 100%, और 100% आप कभी अचीव नहीं कर सकते, तो सारी वैल्यूज इसके साथ कंपेयर होती हैं, फिर यानी 70 है, 80 है, ठीक है, 60 है, 50 है, ये सारे इसके साथ कंपेयर होती हैं, तो हम कहते हैं कि ये वाला अच्छा है, क्योंकि जो क्लोज़र होगा उस वैल्यू के साथ आइडियल के साथ उतना कहेंगे वो अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए आइडियल तो ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, प्रैक्टिकल की अलग हैं। हम उसका पढ़ते हैं आइडियल। आइडियल में ये है कि इनफाइनाइट इनपुट इम्पेडेंस ऑफ अबाउट 2 मेगा ओहम, सही, 2 मेगा ओहम का वो होता है, ओके, 2 मेगा ओहम का होता है, ठीक है। लो आउटपुट इम्पेडेंस, इम्पेडेंस आउटपुट का जो इम्पेडेंस है बहुत ही कम होता है, 200 ओहम होता है, सही। वेरी लार्ज वोल्टेज गेन एट लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी पे इसकी वोल्टेज गेन बहुत ही हाई होती है, इसलिए द स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेज कैन बी एम्पलीफाइड बाई यूजिंग ओपेम। इसलिए जो स्मॉल चेंजेस भी वोल्टेज में अगर आती हैं तो उसको भी एम्पलीफाई किया जा सकता है। स्मॉल चेंज वोल्टेज मीन्स लो फ्रिक्वेंसी है, तो उसको भी आसानी से ओपेम के से एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो ये आइडियल ओपेम की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ, इनफाइनाइट बैंडविड्थ का मतलब है कि हर किस्म की फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। इन बैंडविड्थ के हाई होने का मतलब ये है, यानी अगर मैं कहूँगा कि अगर किसी फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ F1 से यानी 1 मेगाहर्ट्ज से 2 मेगाहर्ट्ज तक है, 2 मेगाहर्ट्ज तक है, तो इसका बैंडविड्थ कितना होगा, हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी, यानी F2 माइनस F1 इसका बैंडविड्थ होगा, सही। तो अब क्या होगा कि इसका जो है 2 मेगा माइनस 1 मेगा, तो 1 मेगाहर्ट्ज इसकी इसका बैंडविड्थ होगा। इसके मुकाबले में अगर कोई दूसरा वो है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका 1 मेगाहर्ट्ज से 10 मेगाहर्ट्ज तक है, तो अब इसका जो है बैंडविड्थ ज़्यादा होगा, 10 माइनस 1 9 मेगाहर्ट्ज इसका बैंडविड्थ है। तो ज़्यादा बैंडविड्थ का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास चैनल्स ज़्यादा होते हैं, यानी सिग्नल को फ्लो करने के जो चैनल्स होते हैं वो आपके पास ज़्यादा होते हैं, सही। यानी आप लोगों ने रेडियो में ये चीज़, वो पहले ज़माने में जो रेडियो होता था और जो जिसमें रोलर लगा हुआ था, तो जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता था तो वो आप रोल करते जाते थे उसकी आवाज़ फिर भी आती थी, मगर बाज में इस तरह होता है कि आप हल्का सा भी आप उसको रोटेट करते थे तो आवाज़ आके बस गायब हो जाती थी, फिर बैक करना पड़ता था, फिर फॉरवर्ड रोल, फिर बैक रोल, तो जो है आप उसको तलाश करते थे, क्योंकि उसके बैंडविड्थ बहुत ही कम होता था जिसकी वजह से जो है वो आवाज़ गायब हो जाती थी, ठीक है। तो हाई बैंडविड्थ में ये फ़ायदा होता है कि हर किसी की फ्रिक्वेंसी, हर रेंज वाली फ्रिक्वेंसी जो कुछ पे ये काम करता है उसको एम्पलीफाई कर सकता है। तो एक आइडियल एम्पलीफायर की जो है वो इनफाइनाइट है,
मगर ये तो आइडियल की हुए। अब प्रैक्टिकली ये है कि आप इनफाइनाइट है, मतलब 2 मेगा है, तो आइडियल का जो है वो 1 मेगा होगा या शायद 10 किलो होगा। तो जितना ज़्यादा होगा उतना वो अच्छा एम्पलीफायर होगा, आउटपुट इनपुट एम्पिडेंस जिसका ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा होगा। इसी तरह अब जो वो हैं जो लो जो आउटपुट एम्पिडेंस है, ठीक है, वो जितना कम होगा यानी 200 के आसपास होगा, यानी प्रैक्टिकली तो शायद 300 हो, 400 हो, 500 हो, मगर जितना वो कम होगा उतना जो है वो आइडियल के करीब होगा, उतना वो अच्छा एम्पलीफिकेशन कर सकेगा और अच्छे जो जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर सकेगा। इसी तरह जो लो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्या है गेन हाई है, ठीक है। इसी तरह इनफाइनाइट बैंडविड्थ, अब आइडियल का जो है तो इनफाइनाइट है, मगर प्रैक्टिकल का तो इनफाइनाइट नहीं होगा, वो फाइनाइट होगा, सही। तो ये फ़र्क है प्रैक्टिकल में और उसमें आइडियल में, ठीक है। अब ये देखिए फाइनाइट ओपन लूप गेन, फाइनाइट इनपुट इम्पेडेंस और नॉन जीरो आउटपुट इम्पेडेंस, फाइनाइट बैंडविड्थ, वो सारे अब फाइनाइट फाइनाइट आ गए, ठीक है। अच्छा अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मैंने आपको बताया था कि एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल है, और एक इन्वर्टिंग है, सही है। तो ये इन्वर्टिंग है, सॉरी, तो इन्वर्टिंग में ये होगा कि आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ऑप एम्प के साथ, ये देखिए वीएन आपने कनेक्ट किया, किसी के सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, सही है। और ये इसमें आप लोगों ने फीडबैक सिस्टम भी करना होगा, तो इसके इसका जो गेन होगा वो क्लोज लूप गेन होगा, ठीक। सो वी आउटपुट और वी इनपुट, दिस इज द वोल्टेज गेन, इसको मैं वोल्टेज गेन कह सकता हूँ, ठीक है, वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन बराबर है माइनस आर एफ और आर, ये माइनस किस वजह से, इन्वर्टिंग, ठीक है, इन्वर्टिंग वो होगा, सही है ना। तो वोल्टेज के नेगेटिव होने का मतलब, या गेन के नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू नेगेटिव है, वो जो है यानी इन्वर्टिंग देखा, अगर सिग्नल मैंने आपको बताया कि इस तरह है तो वो यानी इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ओके। और देखें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है। आर एफ इज दी रेजिस्टेंस फॉर द फीडबैक सिस्टम, तो इसलिए इसको आर एफ, रेजिस्टेंस फॉर द फीडबैक सिस्टम, डिवाइडेड बाय आर एम इनपुट इम्पेडेंस, जो कि बहुत ही हाई होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये बहुत ही हाई है। तो इन दोनों का जो रेशो है वो आपको वोल्टेज गेन दे देगा फॉर इन नॉन इन फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एंड फॉर द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसमें आप देखें ये जो है यानी अब इसको जो है वो ग्राउंड किया हुआ है मगर थ्रू ए रेजिस्टेंस, ठीक है, थ्रू रेजिस्टेंस, इसलिए ग्राउंड किया है कि यहाँ पे देखें वो फीडबैक सिस्टम है, सही, फीडबैक सिस्टम अभी नॉन ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, सही। अगर इसको फिर भी ग्राउंड किया हुआ है, सप्लाई यहाँ से दी है इन्होंने, ठीक है, यहाँ से इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो देखें माइनस में नहीं है, प्लस में है, 1+RF और R, सही। अब ये जो है इसमें फ़र्क है, ये आर एफ और आर था पहले, अब 1+RF और R है। इसके अपने अपने प्रूफ्स हैं, मगर वो आप लोगों की कोर्स में है, ऐसा नहीं, वो जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा जाता है तब जो है यानी उसको यानी पढ़ाया जाता है, ठीक है, ओके। सो दैट वाज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस इसकी, एक एप्लीकेशन जो है वो जो आज हम पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशंस हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज जो है ए टू डी कन्वर्टर्स, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, और दूसरा जो है पावर सप्लाई और ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ज़ीरो क्रॉसिंग अगर आप लोग याद हो तो हमने मिड टर्म में भी पढ़ा था, कौन से टॉपिक में हमने पढ़ा था, ज़ीरो क्रॉसिंग, आखिरी जो था डिस्टॉर्शन मीटर, डिस्टॉर्शन मीटर में हमने पढ़ा था, ठीक है, यानी ये जो है यानी ठीक है। तो ये अब ये देखिए ये ज़ीरो है, तो इसको इस पे जब इसको डिटेक्ट करेगा तो ये ज़ीरो क्रॉसिंग यानी ज़ीरो को क्रॉस करता हुआ, ठीक है ना, ज़ीरो क्रॉसिंग, ये देखिए ज़ीरो को क्रॉस कर रहा है, ये ज़ीरो लाइन है ना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इस ज़ीरो को क्रॉस कर रहा है, इसी तरह ये भी ज़ीरो को क्रॉस कर, जो भी इनपुट होगा जो ज़ीरो को क्रॉस करेगा तो उसको हम ज़ीरो क्रॉसिंग, इसी को डिटेक्ट करना है,
कि कभी इजी। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, यानी आपने फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी किस सर मेजर होती है, इसी जीरो क्रॉसिंग से मेजर होती है ना। आप कहते हैं 1 हर्ट्ज़, फिर कहते हैं 2 हर्ट्ज़, तो अब यहाँ पे हाफ हर्ट्ज़ पे भी जीरो क्रॉसिंग है, तो इसको ने दो दफ़ा जब जीरो क्रॉसिंग गुजर जाती है तो उसको 1 हर्ट्ज़ कहा जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को दो दफ़ा जब एक जब दूसरी दफ़ा आएगा तो फिर इसको 1 हर्ट्ज़ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह की वो होती है, ये प्रोग्रामिंग की जाती है। सो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का फ़ायदा जो है वो कहाँ पे होता है, फ्रीक्वेंसी को काउंट करने में, फ्रीक्वेंसी काउंटर में जो है ये इस्तेमाल होता है। तो पहले एप्लीकेशन है ए टू डी कन्वर्टर, ए टू डी या ठीक है ना, ए डी सी या डी ए सी, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स आर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स विद इंटरफेस सेंसर, एंड ए डी सी टेक्स एन एनालॉग सिग्नल एंड कन्वर्ट इट इंटू बाइनरी वन। आपको पता है जो डिजिटल होता है वो 1001 0 इस तरह के फॉर्म में होता है, देखिए 0100 1, इसमें एक पूरा एक मैसेज होता है। सो ये देखिए हम क्यों डिजिटल में इसको कन्वर्ट करते हैं, ये एप्लीकेशन इसकी इस तरह होती हैं, यानी अगर आप वो हमारा जो आवाज़ है वो डिजिटल नहीं है, हम जो बातें कर रहे हैं अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये एनालॉग है सारी, ठीक है। अब मोबाइल के थ्रू ये जाएंगी रिसीविंग एंड पे, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो एनालॉग है। अब जब मोबाइल में होगा ए ए डी सी, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि मेरी आवाज़ को 1001 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, फिर उसको हवा में 1000 इसी के फॉर्म में वो ले जाएगा, फिर रिसीविंग एंड पे डी ए सी लगा होगा, जो कि दोबारा इस मेरे डिजिटल आवाज़ को डिजिटल कोड को वापस आवाज़ में कन्वर्ट कर लेगा। अब इसकी जो कन्वर्जन है, अब ये डिपेंड करता है कि ये कितनी वो प्योर वो जो है कॉपी बनाता है, सही। तो ये डिपेंड करता है इसकी सैम्पलिंग पे, सैम्पलिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये असल में एक चैनल में मल्टीप्लेक्सिंग में ये होता है कि एक चैनल में एक आवाज़ तो नहीं जाती, एक चैनल में तो 5-6 आवाज़ें जाती हैं, तो अब ये एक से सैंपल ले रहे दूसरे से सैंपल लेते हैं, इसलिए प्योर आवाज़ नहीं होता, ठीक है। जब तक जब आप से सैंपल ले रहा होता है तो उस वक्त किसी और से सैंपल नहीं लेता, फिर जब किसी और से सैंपल लेते तो फिर आपकी बारी नहीं होती, तो आप 5-6 आवाज़ों के सैंपल ले के फिर आपकी बारी आती है, तो जाहिर बात है उस वक्त जो है आप बातें कर भी रहे हैं वो कलेक्ट नहीं हो पाती। तो असल में इतना जल्दी जल्दी होता है कि ठीक है कि रिसीविंग एंड में उनको पता नहीं लगता, मगर ये बिल्कुल प्योर नहीं होती, ठीक है ना। तो बस वो इतनी रखते हैं कि क्वालिटी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, यानी बिल्कुल यूज़र को बात की समझ ही ना आए, तो इस तरह पर नहीं होता, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इसकी प्रायोरिटी डिपेंड करती है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, एक उसमें सैम्पलिंग भी है, ठीक है, एक जो है डी ए सी की एफिशिएंसी पे है कि ये कितनी इसकी एफिशिएंट है, सही, क्योंकि इसमें भी लॉसेस होंगे। सो हमारी आवाज़ को ए डी सी ने कन्वर्ट किया डिजिटल में, फिर डिजिटल से जो वापस एनालॉग में, तो इसका ये जो काम है इसमें एम्पलीफायर यूज़ हो सकता है, ठीक, एम्पलीफायर। अच्छा, एक एप्लीकेशन इसकी ये है कि एज ए करंट सोर्स भी इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों ने करंट सोर्स पढ़ा होगा ये इस तरह, ठीक है। प्रैक्टिकली जो है कोई करंट सोर्स यानी के तौर पे नहीं है, मगर किसी और चीज़ को आप करंट सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ट्रांजिस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा आई बीटा ओवर आई अल्फा, ठीक है ना, ये क्या है ये ठीक है, ये सारे जो है ये करंट्स हैं, तो करंट सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सो ए करंट सोर्स कैन बी मेड फ्रॉम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अच्छा ये है कि इन्वर्टिंग से बनेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि द लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, आर नॉट मस्ट बी इक्वल टू दी द करंट इन द लोड रेजिस्टेंस, ये वाला जो करंट है इट मस्ट बी इक्वल टू द करंट इन द आर वन, इसके इसमें जो करंट है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो तब जाके ये जो है इन्हें आप लोगों को करंट सोर्स के तौर पे काम देगा, सही। अच्छा, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, इसमें ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको ओपन रखना होगा, सही,
यहाँ पे वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप वो कर रहे हैं वो सिस्टम लगा हुआ होगा सी। सो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ZCD, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर सर्किट कैन बी यूज टू चेक वेदर द ऑपरेटर। अच्छा, इसको इसलिए भी चेक, इसको चेक करने के टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप कोई IC लें 741 और आप कहें कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, तो आप एक नॉन फ्रीक्वेंसी आप दें इसको, नॉन फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता ही नहीं। अब वार्डा की सप्लाई का हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो आप जो है यानी इसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि वाकई ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सही, तो आप जब लगाएंगे, ठीक है, जो वार्डा की सप्लाई है आप लगाएंगे तो आप देखेंगे अगर इसने काउंटर 50 हर्ट्ज का दिया, ठीक है। देखिए, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर कैन बी यूज एज फ्रीक्वेंसी काउंटर, ठीक है। सो अगर आप उसने 50 दिया तो इट मींस कि ये सही काम कर रहा है। तो टेस्ट के तौर पे भी इसे हम कर सकते हैं और काउंटर के तौर पे भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। ओपेम इज ए यूनिवर्सल एम्पलीफायर। यूनिवर्सल आपको पता है उसको कहते हैं कि जो यानी जिस तरह हम उसमें कहते हैं हरफन मौला, ठीक है, जो सब सारे काम अमूमन कर सकता हो। तो जो ओपेम जो है इसमें ये बहुत से काम करता है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी गिनवाए कि कंपेरेटर के तौर पे काम कर सकता है, वो कल है शायद हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये कंपेयर करके जो है ये बताते हैं कि दिस सप्लाई इज ग्रेटर देन दिस और दिस इज लेस देन दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। कंपेरेटर में तीन ऑप्शन होते हैं ना, या ग्रेटर या लेस या इक्वल, ठीक है। ये काम देखिए कैलकुलेटर भी नहीं कर पा रहा कंपेरिजन वाला, मगर ये आप लोगों को कर रहा है, ठीक है। तो कंपेरेटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, अभी इससे पहले हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसके तौर पे भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, फिल्टर के तौर पे भी काम करता है, यानी लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये सारे डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर। डिफरेंशिएटर आप लोग जानते हैं DYDX, ठीक है। सो डिफरेंशिएटर भी और इंटीग्रेटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल, करंट को रेगुलेट करना हो, वोल्टेज को रेगुलेट करना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप रेगुलेटर करते हैं। एनालॉगी टू कंप्यूटर, एनालॉगी जो है, एनालॉगी का मतलब है कि सिमिलर टू कंप्यूटर, ठीक है ना, सिमिलर टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर जैसा। सही, सो अभी तो मैंने आपको बहुत सी चीज़ें गिनवाई हैं, तो बाकी इसको आप एक मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं कि एक यानी एक ऐसा एक ऐसी मशीन या एक ऐसी डिवाइस जो कि बिल्कुल बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो आप इसको यानी वो उसके तौर पे आप कह सकते हैं कि ये एक मिनी एनालॉगी है, ठीक है। तो एनालॉगी आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़े होंगे, मैकेनिकल यानी सर्कट्स को आपने मैकेनिकल उसका एनालॉगस पढ़ा था, या तो ये जो है सारे इसको एनालॉगी कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? ओके, चलो फिर मैं मीटिंग को लीव कर देता हूँ। सही, ओके।